बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही करिश्मा कपूर को तो आप सभी जानते हैं। करिश्मा कपूर ने लंबे समय से फिल्मों से दूरी बना रखी है, हालांकि इस बीच उन्होंने वेब सीरीज में काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्हें अक्सर अपनी बहन करीना के साथ कहीं ना कहीं स्पॉट किया जाता है। करिश्मा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन पहचान उन्हें राजा हिंदुस्तानी से मिली। करिश्मा ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत कष्टों भरी रही है। करिश्मा ने संजय कपूर से साल 2003 में शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। शादी के कुछ साल बाद ही करिश्मा और संजय के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी थी। करिश्मा अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने संजय कपूर के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी थी। इस FIR में करिश्मा ने बताया था कि संजय किस तरह उनके ऊपर अत्याचार करते थे। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बताया था कि संजय ने मुझे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। करिश्मा ने बताया था संजय हमेशा फेमस और पब्लिक फिगर बनना चाहते थे क्योंकि खुद उनके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जिससे कि लोग उन्हें पहचाने। उसका मुझे ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल कर दिल्ली के लोगों के बीच पॉपुलर होने का प्लान था और वो मुझसे मारपीट करता था। करिश्मा की ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और 11 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया। अब करिश्मा अपने दो बच्चे समायरा और कियान की अकेले ही परवरिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संजय की लाइफ में प्रिया सचदेव के आने के बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। करिश्मा से तलाक के एक साल बाद यानी 2017 में संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।